नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद कैरियर जीके लेक्चर सीरीज में आपनो स्वागत है। मित्रों, आज आप गुजराती व्याकरण में शब्द समूह माटेना एक शब्द जोवाना छे अने आ शब्द समूह माटेना एक शब्दनो भाग 8 आरे जोवाना छे। भाग 1 થી 7 ऑलरेडी आप अपलॉड कर चूक्या छे। जो हजी सुधी तमे ना जोया होय तो अत्यारे तमे प्लेलिस्ट में जईने जोई शको छो। तो आज आप शुरुआत करिए भाग 8 नी। तो प्रथम छे नदी किनारानी बखोलो तेने शू कहवाय तो के कोतर। नदी किनारानी बखोलो तेने शू कहवाय तो के कोतर। बीजो शब्द है हक दावो वगैरह नो हकदार तेने के वारस। हक दावो वगैरह नो हकदार तेने शू कहवाय वारस। तीजो शब्द जो है मिठाई बनावानु काम करनार तेने कहवाय कंदोय अथवा हलवाई। कंदोय अथवा हलवाई के जे मिठाई बनावानु काम करनार होय तो एने कंदोय अथवा हलवाई कहेवाय। चौथो शब्द जोईए कणसला गूंधीने के झूंडीने अनाज काढवानी जग्या तो एने कहेवाय खळू। फरीथी कणसला गूंधीने के झूंडीने अनाज काढवानो जग्या तेने कहेवाय खळू। पांचमो शब्द जोईए गुणने वखाणवा के तेनी कदर करवी। गुण ने वखाणवा के तेनी कदर करवी तेने कहेवाय बिरदावू। गुण ने वखाणवा के तेनी कदर करवी तेनो अर्थ शुं थाय तो के एनो थाय बिरदावू। छठो शब्द जोईए जीवननु मुख्य कर्तव्य तेने कहेवाय जीवन धर्म। जीवननु मुख्य कर्तव्य तेने शुं कहेवाय जीवन धर्म। सातमो शब्द जोईए मीठी नजर तेने कहेवाय अमी दृष्टि। मीठी नजर तेने शुं कहेवाय अमी दृष्टि। आठमो शब्द जो आज्ञा के नियम में रहू तेने कहेवाय शिस्त। आज्ञा के नियम में रहू तेने शू कहेवाय शिस्त कहेवाय। नवमो शब्द जो पानी वही जाए ते माटे बांधेलो साकड़ो मार्ग तो एने कहेवाय गरनाळो। पानी वही जाए ते माटे बांधेलो साकड़ो मार्ग तो एने शू कहेवाय तो के गरनाळो कहेवाय। दसमो शब्द जो भवाई में मुख्य पात्र नु आगमन सूचवतु गीत तो एने कहेवाय आवणु। याद राखवा जेवो सवाल छे, मोस्ट एमपी शब्द कही शकाय। तो के भाई फरीथी जोईए भवाई में मुख्य पात्र नु आगमन साचवतु गीत तो एने कहेवाय आवणु। 11मो शब्द जोईए मरण पछी 12मा दिवसे थती विधि तो एने कहेवाय कारज। मरण पछी 12मा दिवसे थती विधि तो एने शुं कहेवाय तो के कारज कहेवाय। 12मो शब्द जो आदर्श वाक्य तो एने कहेवाय मुद्रालेख। आदर्श वाक्य तो एने शू कहेवाय मुद्रालेख। 13मो शब्द जो घरनी बाजूनी दीवाल के भीत तो एने कहेवाय करो। घरनी बाजूनी दीवाल के भीत होय तो एने शू कहेवाय करो कहेवाय। 14मो गामनी हद तो एने कहेवाय सीमाड़ो। गामनी हद तो एने शू कहेवाय सीमाड़ो। 15मो शब्द जो सखत तड़को तेने कहेवाय धोम। सखत तड़को तेने शू कहेवाय धोम। 16मो शब्द जोईए गामना ढोर उभा रहे ते भागोळ तेने कहेवाय गोंदरू। फरीथी गामना ढोर छे ए उभा रहे तो एने शू कहेवाय ए भागोळ होय एने शू कहेवाय गोंदरू। 17मो शब्द जोईए दुर्गुणो वाळो माणस तो एने कहेवाय हेवान। दुर्गुणो वाळो माणस तो एने शू कहेवाय तो के हेवान कहेवाय। 18मो शब्द जो कशुं गमतुं माणवानो समूहनो तरवड़ाट तेने कहेवाय हुल्लास अथवा उल्लास। कशुं गमतुं माणवानो समूहनो तरवड़ाट तेने शुं कहेवाय हुल्लास अथवा उल्लास। 19मो शब्द जो माटीनी भीतनुं नानुं घर तेने कहेवाय खोरडुं। माटीनी भीतनुं नानुं घर तेने शुं कहेवाय खोरडुं कहेवाय। 20मो शब्द काळो साप अथवा काळरूपी नाग तेने कहेवाय काळोत्रो। काळो साप अथवा काळरूपी नाग तेने शू कहेवाय तो के काळोत्रो कहेवाय। 21मो शब्द जोईए कन्या पोते वर पसंद करे ते माटेनो समारंभ तेने कहेवाय स्वयंवर। एटले के जे कन्या पोतानी जाते ज वर पसंद करे एनो समारंभ गोठवामां आव्यो होय तो एने शू कहेवाय स्वयंवर कहेवाय। 22मो शब्द जोईए सोना जेवा रंगवाळी तेने कहेवाय सोनावरणी। सोना जेवा रंगवाळी होय तो एने शू कहेवाय सोना वरणी। 23मो शब्द रमाड़वानो दड़ो तेने कहेवाय कुंदकु। फरीथी रमवानो दड़ो तेने शू कहेवाय कुंदक। 24मो शब्द संसार में जन्म थवो ते तेने कहेवाय अवतार। संसार में जन्म थवो ते तेने शुं कहेवाय अवतार। 25मो शब्द जो पाघड़ीना जेवो विस्तार तेने कहेवाय पाघड़ीपन्नो। पाघड़ीना जेवो विस्तार होय तेने शुं कहेवाय पाघड़ीपन्नो। 26मो शब्द जो धनुषनी पणछ तेने कहेवाय चाप। धनुषनी पणछ तेने शुं कहेवाय चाप। 27मो शब्द जो लोखंडनी धारदार पतरी तेने कहेवाय ब्लेड। लोखंडनी धारदार पतरी होय तेने शुं कहेवाय ब्लेड। 28मो शब्द जो पर्वतना अनेक सळंग शिखरो तेने कहेवाय टूको। पर्वतना अनेक सळंग शिखरो तेने शुं कहेवाय टूको। 29मां नानी गांसडी तेने कहेवाय बाचकू। नानी गांसडी तेने शुं कहेवाय तो के बाचकू। 30मो शब्द जोईए तीक्ष्ण नजर तेने कहेवाय विकट दृष्टि। तीक्ष्ण नजर तेने शुं कहेवाय विकट दृष्टि। 31मो शब्द सहेलाईथी तूटी जाय तेवी तेने कहेवाय बटकणी। सहेलाईथी तूटी जाय तेवी होय तेने शुं कहेवाय बटकणी। 32मो शब्द जो धीमो अवाज तेने कहेवाय मरमर। धीमो अवाज तो के मरमर एनो कहेवाय। 33मो शब्द जो बार शाखनी बहार देखातो उपलो छेडानो भाग तेने कहेवाय टोडलो। एटले के बार शाखनी उपर बहार जे देखातो होय ए छेडानो भाग के जे आ रीतना होय जनरली तो आने शुं कहेवाय तो के टोडलो कहेवाय। 34मो शब्द जो लोकोए जंगलमां बांधेला झूंपड़ानुं गाम तेने कहेवाय नेस। लोकोए जे जंगलमां बांधेला झूंपड़ानुं गाम होय तेने शुं कहेवाय नेस कहेवाय। 35मो शब्द काम करवा नियुक्त थयेल माणस तेने कहेवाय प्रतिनिधि। काम करवा माटे नियुक्त थयेल माणस तो एने शुं कहेवाय प्रतिनिधि कहेवाय। 36मो शब्द जो शाही भरवानुं साधन तेने कहेवाय दवात अथवा खड़ियो। शाही भरवानुं साधन तेने शुं कहेवाय दवात अथवा खड़ियो बने कही शकाय। 37मो शब्द जो बाळवाना लाकड़ा तेने कहेवाय बळतण। बाळवाना लाकड़ा तेने शुं कहेवाय बळतण। 38मां एकबीजामां भળી ગયેલ तेने कहेवाय ओतप्रोत। एकबीजामां ભળી ગયેલ तेने शुं कहेवाय ओतप्रोत। 39मां शब्द अति ઊંડું तेने कहेवाय अगाध। अति ઊંડું तेने शुं कहेवाय अगाध। 40मो शब्द જોઈએ બોલપેનમાં મૂકવાની શાહીવાળી પાતળી નળી तेने કહેવાય રિફિલ। फरीथी बोलपेन में मूकवानी शाही वाली पातली नली तो एने शुं कहेवाय तो के रिफिल कहेवाय। 41मो शब्द वैरागी बाओ तेने कहेवाय अवधूत। वैरागी बाओ तेने शुं कहेवाय तो के अवधूत कहेवाय। 42मो शब्द जलद कार्यक्रम थी भय जन्मावनार तेने कहेवाय उग्रवादी। जलद कार्यक्रम थी भय जन्मावनार तेने शुं कहेवाय तो के उग्रवादी। 43मो शब्द झझूमतो टेकरानो खूणो तेने कहेवाय भेखड़। झझूमतो टेकरानो खूणो तो एने शुं कहेवाय भेखड़ कहेवाय। 44मो शब्द कांटावाळा वृक्षोनी गीच जाड़ी तेने कहेवाय कांट। फरीथी कांटावाळा वृक्षोनी गीच जाड़ी तेने शुं कहेवाय तो के कांट कहेवाय। 45मो शब्द जो सुंदर लखाण तेने कहेवाय सुलेखन। सुंदर लखाण तो एने शुं कहेवाय सुलेखन कहेवाय। 46 में जेने वसवाट गुमावेलो छे तेने कहेवाय निर्वासित। जेने वसवाट गुमावेलो छे तो तेने शुं कहेवाय निर्वासित। 47मो शब्द जो सिंहनी गर्जना तेने कहेवाय डणक अथवा त्राड़। फरीथी सिंहनी गर्जना तेने शुं कहेवाय तो के डणक अथवा त्राड़ कहेवाय। 48मो शब्द जो गुस्सा में पाड़ेली बूम तेने कहेवाय धुरकाट। गुस्सा में पाड़ेली बूम तो एने शुं कहेवाय धुरकाट कहेवाय। 49 जो मर्दानी थी भरेला तेने कहेवाय मर्दानी। मर्दानी थी भरेला तेने शुं कहेवाय मर्दानी। 50मां शब्द लाकड़ाना नाना टुकड़ा तेने कहेवाय करगठिया। फरीथी लाकड़ाना नाना टुकड़ा तो एने शुं कहेवाय करगठिया कहेवाय। तो मित्रों आ विडियोमां आटलुं राखीशुं। वधारे माहिती आपणे भाग 9 मां लईशुं। जो विडियो तमने गमेलो होय तो लाइक करो, बीजा मित्रों ने शेर करो जेथी तेमने पण आ माहिती उपयोगी थई रहे। अने जो तमे नवा चेनल पर नवा होय तो अत्यारे चैनल में सब्सक्राइब करो और बाजू में आवेला बेल आइकॉन ने प्रेस करो जेथी करीने नवो विडियो अपलॉड करिए तो तमने नोटिफिकेशन द्वारा माहिती मळी रहे। तो आ विडियो में आटलू राखीशू। जय हिंद, जय भारत।